भाई तो आ ना जाए तो क्या करें? देर कर दिए। देर कर दिए? काची देर कर दिए? हम टिस्नी नहीं जाएंगे। कहा है भाई? तुम्हें इतना परेशान का है? कहा टिस्नी नहीं जाओगी? हाँ, और राकेश भैया बोल रहे थे ना कि तुम काची अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट ले ली है, इसमें कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे इसका पढ़ाई करके? ए बेटी, वो राकेशवा और रमेशवा जो है वो पढ़ल लिखल है, उसको कुछ समझ में आता है, और वो कहने से तुम ट्यूशन नहीं जाओगी? सुनो, तुमको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात जानकारी लेना है तो कोई जानकारी दूसरे में लोगी कि क्या मैं पढ़े से फायदा है कि नहीं है, है? तुमको पढ़ के रोजगार नहीं लेना है तो उसके बारे में किसी से जानकारी ली हो? रोजगार नहीं है, राकेश भैया बता रहे हैं। अरे तो पढ़े लिखे तुम चली आई है? तुम जहाँ ट्यूशन करती हो ओकरा से पूछे हो अपना मास्टर सब से कि काम में क्या फायदा है, कैसे रोजगार होगा? तो कुछ भी नहीं किए हैं। बड़े बात कहीं के तो रमेशा के चक्कर में तुम पड़ गई। सुनो, तुम्हारा भाग बड़ी अच्छा है, अभी वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़का जानकार हम लोग के बगीचा माने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो हमारे विषय के बारे में सब कुछ जो पूछेंगे, जो कंफ्यूजन है वो बता देंगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे, हमको तो पूरा विश्वास है और वही के जानकार है भाई। तो सुनो। अच्छा पापा, एक मिनट। हाँ। आप तो गए थे झोला लेके अब सब्जी लाने, तो लाए गए नहीं, कहाँ थैला? अरे रे 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 ए भाई, हम तो सामान लाना भुला गए, वो कावा के दुकान में खरीदे थे वहीं रख दिए। कोई बात नहीं, सुनो ना, हम ओकरा फोन कर देंगे, वो घर पहुंचा देगा। तुम ऐसा करो, सबसे पहले तुम जो विशेषज्ञ आए हैं उनसे जानकारी ले लो। तुम ऐसा करो, इस जल्दी से ले आके घर के अंदर रख दो। जा जा, रख के अब तुम वहाँ आओ मैदानवा में, हम उनसे पूछते हैं और वहीं रोक के रखते हैं, जानकारी ले लेंगे। ठीक है, हम ले जाते हैं, रख के आते हैं। थैलवा भी बोल दीजिएगा कि घरे ला के रख देता है। ठीक है, जा जल्दी। अब सुनो, देर मत करियो, हम जा रहे हैं। आते हैं। जी प्रणाम सर, आपका स्वागत है हमारे गांव घर में, और आप आए हैं तो हमको इतनी खुशी हो रही है सर कि क्या कहें। हमारी जो बेटियाँ है ना, वो अर्थशास्त्र ही पढ़ रही है, लेकिन उसको पता नहीं कौन गांव का कोई आदमी उसको कुछ कन्फ्यूजिया दिया है, मतलब कुछ गड़बड़ा दिया, उसका दिमाग में भर गया है कि ये पढ़े से कोई रोजगार नहीं मिलता है। अब बताइए तो जरा, मैंने कौन ऐसा पढ़ाई भाई जितना पढ़े से रोजगार नहीं मिलता है? हमारा तो भाई बड़ा मैंने शंका हो गया, तो हम कहें ना कि आप आइए रहे हैं हमारा बगीचा में, तो कहे नहीं हम आपसे ये सारी बकवास पूछ लें। तो हम बेटिया को बोले हैं कि जल्दी से आओ और आ करके और उनसे अपना पूरा शंका समाधान कर लो। आप देखिए देखिए आगे। पापा यही है सर, प्रणाम। हाँ। सर अर्थशास्त्र के सर हैं। हाँ। सर तो अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, 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 हाँ सर, सबसे पहले गांव घर के दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं, और ये बता दीजिए, फिर हमारी शंका का समाधान कर दीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक दत्त एन कॉलेज पटना के अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अरे अरे सर, आप एन कॉलेज के प्रोफेसर हैं? अरे बताइए तो जरा, मतलब हमारे गांव के एकदम में नज़दीक हैं। अब बताइए, और नज़दीक होकर के भी हम आपसे कोई सहायता नहीं ले पाए, लेकिन हमारा आज खुशी है कि आज हमारा शंका के समाधान हो जाएगा। ए सर, तो पहले ये हमारा बताइए कि ये अर्थशास्त्र क्या है? ये हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है, बेटी को आता होगा, लेकिन पहले हमारा क्लियर कर दीजिए कि अर्थशास्त्र है क्या। देखिए, अर्थशास्त्र एक बहुत ही विशाल विषय है। अच्छा। आप जब सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, आप बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, आप बीमार पड़ते हैं अगर तो अस्पताल जाते हैं, तो आपके पूरे दैनिक क्रिया का सारा जो एस्पेक्ट है वो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में कवर होता है। क्योंकि कुछ लोग, आप सुबह नाश्ते की मेज पर जब बैठते हैं, आप नाश्ता खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो ब्रेड बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हम लोग उसको उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अर्थशास्त्र जो है असल में इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं,
ये बहुत एक पुराना विषय है। इसमें चार प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अच्छा अच्छा। एडम स्मिथ ने जो इसकी परिभाषा दी थी वो धन के बारे में दी थी कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विषय है। अच्छा। उसमें लोगों के कल्याण के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर एक नए दूसरे इकोनॉमिस्ट आए, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है वो लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। फिर एक और अर्थशास्त्री आए जिसका नाम लियोनेल रॉबिन्स था। उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है वो स्कार्सिटी से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में सैमुलसन आए, उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है वो विकास से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी से लेके ये 21वीं शताब्दी तक विभिन्न परिभाषाएं दी गई। तो अर्थशास्त्र की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन अभी के समय में आप देखेंगे कि जो हमारे संसाधन हैं वो सीमित हैं। अच्छा। और इसका मतलब हमारी, हाँ जी जी बोला, हाँ, जो हमारे जो इच्छाएँ एक्चुअली वो अनंत है। मानव की इच्छाएं अनंत है, संसाधन बहुत सीमित है। तो अर्थशास्त्र जो है इस सीमित संसाधनों का एक रैशनल मैनेजमेंट बताता है कि कैसे इन सीमित संसाधनों से ज़्यादा लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। यही अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र जो है वो चाहे आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, कोई भी व्यक्ति हो, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ होती है उससे अछूता नहीं होता है। सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का प्रभाव, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उस पर ज़रूर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी पूरा समाज पर, चाहे वो किसान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, वो सब पर उसका असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सब रे, पर ये बात तो हमारा समझ में आ गया भाई। ए, ए, आ, आ, बेटी हाँ, अब तू पूछो। सर हमको जानना ये था कि देखिए हम अभी इंटर में एडमिशन कराए हैं और अर्थशास्त्र ले लिए हैं, लेकिन सर इसका पढ़ाई कहाँ तक करना पड़ेगा और इसमें रोजगार कैसे मिलेगा? अरे पहले रुको, हमारा एगो बात पहले सर से शिकायत कर देवे दो। ये जो रमेशवा हमारा मोहल्ला में है, वो गांव में, वो पढ़ल लिखल नहीं है, खाली सबको भटकते रहता है। वो का तो ये पढ़ रही थी तो ओकरा कह दी ना कि अर्थशास्त्र का पढ़ती हो, एकरा में तो कुछ है ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। तो अब बोलो, अब सर बताइए कि क्या रोजगार है कि नहीं, बताइए। देखिए मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें रोजगार की संभावना नहीं। अल्लाह। और अर्थशास्त्र तो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विज्ञान भी है, मतलब यह साइंस भी है, हाँ, और यह आर्ट्स भी है। इसमें लोग ग्रेजुएशन बीए में भी करते हैं, कहीं किसी किसी विश्वविद्यालय में बीएससी की भी डिग्री दी जाती है। अच्छा। और इसमें जो है वो गणित और सांख्यिकी की थोड़ी जानकारी होने से आगे डिग्री लेना थोड़ा सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। करियर के बारे में जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि असीम संभावनाएं हैं। जी जी। क्योंकि एक अर्थशास्त्री, एक्चुअली अर्थशास्त्र जो होता है उसका जो टूल्स होता है, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो जो ट्रेनिंग होती है, अर्थशास्त्र लोगों को तार्किक बनाता है। अच्छा। रैशनल, तार्किक, जिसको आप रैशनल कहते हैं। हाँ। अब रैशनल क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप खुद से सवाल करते हैं, तर्क करते हैं। अच्छा। कि ये जो मैं काम करने वाला हूँ, हाँ, उसका प्रभाव मुझ पर क्या पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ती है अर्थशास्त्र पढ़ने से। बिल्कुल जी। और इसके अलावा इसके जो टूल्स हैं, आप देखेंगे कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है नो फ्री लंच। आप देखेंगे रोज़ मार्केट से एक कॉल आता है ना कि आप लॉटरी जीत गए है ना, आपको इतने पैसे मिलेंगे मुफ्त है ना। देखिए होता क्या है कि मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं मिलती। अब अगर आप तार्किक हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आप तार्किक हैं, मतलब वो घटना से हम सतर्क रह सकते हैं। हाँ, तो आप तर्क करेंगे कि मुफ्त में वो मुझे क्यों देना चाहता है। सही बात है। क्योंकि ये जो मार्केट है हमारा ना, वो इफ़िशियंट मार्केट कहलाता है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी होती है वो तुरंत गायब हो जाती है। मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, देर इज़ नो फ्री लंच है ना।
तो अगर आपको कोई कहता है कि आपको लॉटरी जीत गए, आपने पैसा जीत लिया, आपको इतने की राशि इनाम में मिलेगी, जी जी, तो आखिर ये राशि आपको क्यों मिल रही है? क्यों मिल रही है? आप खुद से सवाल करेंगे। अगर आप खुद से सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, ये शायद ये जो है कोई स्कैम है, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है तो ये तुरंत गायब हो जाती है। कहा जाता है कि एक इकोनॉमिस्ट एक नॉन इकोनॉमिस्ट रास्ते में जा रहा था, तो जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था उसने इकोनॉमिस्ट से कहा कि मुझे 20 रुपये का नोट रास्ते में गिरा मिला, अच्छा आप उठा लो। हाँ। तो अर्थशास्त्री ने कहा कि अगर वहाँ 20 रुपये का नोट गिरा होगा तो तुमने उठा लिया होगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती। हाँ। तो देर इज़ नो फ्री लंच, ऐसा नहीं है। तो आप तार्किक होते हैं, और जब आप तर्क करते हैं तो आप आगे का निर्णय बहुत अच्छे से ले सकते हैं। सबसे पहला फायदा यही है। हाँ। कि कम से कम अर्थशास्त्र अगर जानेंगे थोड़ा बहुत भी जी जी। तो हम इस तरह के जो 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 धोखाबाज सब है उससे तो बच जाएंगे। बिल्कुल। अब सर जहाँ तक ये बात है कि ये अर्थशास्त्र पढ़ने से मतलब हम लोग के नौकरी मतलब बच्चा सबके नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, या क्या भविष्य में इसका मतलब है इसका? हाँ, नौकरी तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ही स्कोप है, जिसमें आप अर्थशास्त्र विषय अगर पढ़ते हैं तो नौकरी मिलेगी ही। लेकिन नौकरी मिलने के साथ साथ एक जो सिटीजनशिप का सिटीजन का जो निर्माण होता है, व्यक्ति का जो निर्माण होता है, उसमें अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये विषय। वो कैसे सर? इसमें ऐसा है कि जैसे आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आप विदेशों में क्या हो रहा है, ग्लोबल अफेयर्स जिसको कहते हैं, उसके बारे में आपको पता होता है। अगर आपको ग्लोबल अफेयर्स के बारे में पता होगा तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता होगा। साथ ही अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि यू विल बी एन इन्फॉर्म्ड वोटर। आप वोटिंग करते हैं, हम सब वोटिंग करते हैं जी जी जी। जब आप वोट करने जाते हैं तो क्या सोच के वोट करते हैं? कभी कभी आप कुछ सोचते नहीं है, किसी ने सामने से कुछ कह दिया, आपने वोट कर दिया। लेकिन अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ते हैं तो अगर किसी ने कहा कि ठीक है मैं सरकार में आऊँगा तो ये कर दूँगा, जो भी वादा करेगा, जो भी वादा करेगा, तो आप उसको समझेंगे। हाँ, आप समझेंगे और आप फिर देखेंगे कि ये जो वादा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, इसका निर्णय भी हम लोग कर पाएंगे। अरे क्या बात है सर। तो इस अर्थशास्त्र को पढ़ लेने से इसमें किस किस पद पर नौकरियां लग सकती है? अरे तो पहले अपना नौकरी है कि भविष्य चिंता करिए। ठीक है ठीक है भाई, वो तो जरूरी ही है, बहुत ही वाजिब है। हाँ, नौकरी की चिंता है। ऐसा है कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं अच्छे जगहों से, अगर आप ग्रेजुएशन स्नातक पूरा कर लेते हैं ये कोर्स, तो सरकारी नौकरियाँ तो है ही। इसके अलावा समाजशास्त्र का एक, ये अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। समाजशास्त्र के बहुत सारे विषयों में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में कैंपस प्लेसमेंट होता है, मतलब कैंपस में कंपनियां आके आपको सेलेक्ट कर लेती हैं। इसके अलावा स्नातक की डिग्री के बाद जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा लेती है तो उसमें कुछ ऐसे पद होते हैं जो अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय के लोगों के लिए आरक्षित होते हैं, रिजर्व रहते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का पोस्ट होता है, जिसने अर्थशास्त्र पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उसके लिए यह रिजर्व रहता है। अगर आप मास्टर्स करते हैं, आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपका मास्टर्स में अर्थशास्त्र है, स्नातकोत्तर में आपका अर्थशास्त्र है, तो एक UPSC भारतीय आर्थिक सेवा एक सेवा है जो UPSC से वैकेंसी आती है, उसमें अर्थशास्त्रियों की बहाली होती है। अगर आपने MA अर्थशास्त्र में किया है तो फिर आप भारतीय आर्थिक सेवा में जा सकते हैं, और ये सहायक निदेशक का पद मिलता है, और आगे जाकर वो काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, रिजर्व बैंक है, RBI है, SEBI है, सारे जगहों पे अर्थशास्त्रियों की बहाली जो है वो होती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अगर आपने इस विषय को पढ़ लिया जी। लेकिन इस विषय को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा मैं कहूँगा कि अगर आप गणित और सांख्यिकी, हाँ मतलब कि सर ये तो हमारा मन में था ही कि मैंने अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए कौन कौन सा विषय हम लोग ले रहे हैं।
देखिए बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि अगर आपकी इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स आपकी है तभी आपको बीए में अर्थशास्त्र मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट जो है वो कवर होता है। तो मैट्रिक में मैथ लेना जरूरी है, मतलब पास उसमें रहना जरूरी नहीं, जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में तो जरूरी है ही लेना, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर आपका आईएससी है, आपने आईकॉम किया है या आईए किया है जिसमें आपने अर्थशास्त्र आईए में रखा है, तो आप बीए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से, आप एमए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से, लेकिन अगर अर्थशास्त्र में आपको सांख्यिकी और गणित विषय पर आपका मतलब कमांड है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। सर, इस अर्थशास्त्र को हम राजनीतिक और सामाजिक और नैतिकता में कैसे जोड़ सकते हैं अर्थशास्त्र को? देखिए, समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो अर्थशास्त्र के बिना नहीं हो सकता है। वो कैसे सर? जैसे जो आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा, औद्योगिक क्रांति की बात सुनी होगी। ये सुने? हाँ, ये ब्रिटेन से शुरू हुआ। तो अर्थशास्त्र ने जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी का, जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब पहले कृषि में ज़्यादा लोग काम करते थे, लेकिन ये जो क्रांति हुई उसके बाद आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग काम करने लगे। तो सोसाइटी, ये माना जाता है कि जो टोटल हमारा जीडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान है, अच्छा, इंडस्ट्री का कितना योगदान है और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। तो अगर बहुत ज़्यादा योगदान कृषि का है, इसका मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ी प्रिमिटिव है। इंडस्ट्री और सर्विसेज का ज़्यादा योगदान है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया, हम ट्रांसफॉर्म हुए। अच्छा, तो सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में इकोनॉमिक्स तो यही बता देता है ना कि आप किस पैदान पर हैं। इसीलिए, और पॉलिटिकल अगर आप बात करेंगे तो आजकल जो वॉरफेयर होता है, वॉर होता है, अब युद्ध लड़ा जाता है, आर्थिक जो टूल्स होते हैं ना, किसी देश को बर्बाद करना है तो बम बारूद की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, है ना, आप आर्थिक नीतियों से उस देश को तबाह कर सकते हैं। अगर एक आर्थिक नीति गलत हुई, मैं आपको बताता हूँ, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में अमेरिका में। अच्छा, और ये मंदी कहा जाता है डिप्रेशन को। हाँ। और ये मंदी इतना विशाल था कि लोगों की जो वार्षिक आय थी वो 60% घट गई। अरे बाप रे, जो कृषि, जो 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 एग्रीकल्चर करने वाले लोग, किसान हैं। हाँ। उनकी आय 50% घट गई, 4000 बैंक बर्बाद हो गए। तो ये अगर देश को समृद्ध होना है तो आर्थिक नीतियाँ जो है वो प्रभावी होनी चाहिए। और सही आर्थिक नीति, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ जिसका क्रियान्वयन सही नहीं हो पाता है जी, तो देश में परेशानी होती है, सरकार को परेशानी होती है, लोगों को परेशानी होती है। सर, तो शायद ये आर्थिक नीति खराब होने की वजह से बहुत सारा देश में आजकल तबाही मचा हुआ है। बिल्कुल, आप देखेंगे श्रीलंका की बात करें, कुछ दिन पहले ग्रीस जो है वो बैंक करप्ट हो गया। बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो लोग, आर्थिक नीतियाँ अगर सही नहीं देंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। बार बात हो भैया, कह के बंद। ए, तो सर, हाँ, हम पूछ रहे पापा एक और सवाल कि अगर मान लीजिए हम गरीब है सर, अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो क्या इसमें कुछ संभावना है सरकार की तरफ से? देखिए, खासकर जब आपकी बात करें तो महिलाओं की शिक्षा तो बिहार सरकार ने फ्री की हुई है, और किसी भी, अगर मैं एन कॉलेज की बात करूँ, वहाँ पर अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई होती है। आपको ट्यूशन फ़ी बिल्कुल पे नहीं करना है, ग्रेजुएशन बिल्कुल फ्री में होगा, मास्टर्स बिल्कुल फ्री में होगा। अगर आप आगे जाके जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको कहा जाता है, तो पीएचडी करने के लिए सरकार पैसा देती है, जो 35,000 रुपया पर मंथ अभी फिलहाल है जी जी जी, वो हर साल, इसके अलावा जो कंटीजेंसी है वो, उसका भी अमाउंट सालाना मिलता है। तो बहुत सरकार ने काफ़ी सारे, सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बाकी विषयों पढ़ने के लिए भी सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। हाँ, लेकिन वो तो सर बेटियां हमारा अर्थशास्त्र पढ़ रही ना। हाँ। इसीलिए वो अर्थशास्त्र के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाह रही थी सर। और हम चाह रहे थे कि अगर हम अर्थशास्त्र को पढ़ाई पूरा कर लिए हैं तो अपना रोजगार करें तो कर सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो आजकल थोड़ा बिहार में इसकी कमी है, एंटरप्रेन्योरशिप की,
लेकिन मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। आप जब भी डिसीजन लेते हैं तो तर्क के साथ लेंगे और अपना व्यवसाय अगर आप लगाते हैं तो पहले खुद से तर्क करेंगे कि जो मैं ये व्यवसाय लगा रहा हूँ वो कितना फ़ायदे में जा सकता है, कितनी लागत लग सकती है, उसका कॉस्ट कितना आएगा, उसका फिर जब आप मार्केट में उसको बेचेंगे फ़ायदा कितना होगा। तो क्योंकि ये आपके निर्माण में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स, तो आप कुछ भी करेंगे जो इकोनॉमिक्स का टूल है वो आपको जरूर हेल्प करेगा। सर मेरा एक और सवाल है। अरे सुनो भाई, खाली तुम्हारा कर सब, तुमको तो रोजगार वाला बातें खत्म हो गया सर, तुमको समझ में आ गया ना? खुश रहो तो कितना हो गई है हम सर। अब देखिए समय समय का सीमा है सर, तो हमको तो जाना है सर, हम काम भी करते हैं, तो हमको खाली एक ही बात कर देना है कि गांव घर के दर्शकों को आप कोई संदेश दे दीजिए और ताकि हम जल्दी से यहाँ से विदा हो जाए सर। मेरा सभी दर्शकों को यही संदेश है कि जो खासकर युवा वर्ग हैं, भारत जो है कहा जाता है कि युवाओं का देश है, हमारी यहाँ जो युवाओं की जनसंख्या है वो काफ़ी है, यह हमारे लिए कहा जाता है कि वरदान साबित होगा। लेकिन यह वरदान तभी साबित होगा जब ये युवा, हम जो युवा हैं, वो अपने आप को जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारा अच्छा होगा, तभी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो है हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी जो आप पढ़ने जाते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप अभी आराम करेंगे तो बाद में बहुत काम करना पड़ेगा। और अभी जो महत्वपूर्ण समय आपको मिला है उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जो सरकार और कॉलेजों में जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अब तो काफ़ी सारी सुविधाएँ ऑनलाइन, ई लाइब्रेरी और ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग फ्री के वाईफाई इस्तेमाल करके यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो सुविधाएं काफ़ी हैं, बस उसका उपयोग करना है। तो आपसे बस यही अनुरोध होगा कि जो अभी समय मिला है उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, तभी हम समृद्ध हो पाएंगे। तो गांव घर के दर्शकों, अर्थशास्त्र के बारे में आज एकदम पूरा पूरा बात एकदम समझ में आ गया हम लोग को। तो आप लोग अर्थशास्त्र को पढ़िए, उसमें बहुत सारा संभावना भाई है। मेरी बेटी एकदम परेशान थी, आप लोग परेशान मत हो, ये सब समझ गए हैं। अब देखिए तो कितना चेहरा खुश हो गया है। तो ये कार्यक्रम गांव घर था, पता हमारा नोट कर लीजिए, कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,00,001। और हमारा एक ईमेल आईडी भी है, उसको नोट कर ले आप। हमारा ईमेल आईडी है directordedicapatna@gmail.com। सर आप आए हमारे गांव घर में और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलते चलते आप लोकगीत का आनंद लीजिए और फिर मिलेंगे हम अगले अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सखी है
बंसी।